मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। कि आज पूरी दुनिया के अंदर हर तरफ दिन ब दिन दुनिया के हालात, वो चाहे किसी भी लाइन के हो, माशी हो, मजहबी हो, हर तरीके से जो है वो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और हर शख्स अपने एतबार से हालात को काबू में करने के लिए मेहनत और कोशिश कर रहे हैं अपने अपने एतबार से। तो हमारे जहन में ये बात आई कि आज हम लोग जो है तो ईमान वाले हैं, तो एक ईमान वाले का ये यकीन है कि दुनिया का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला अमाल के ऊपर चलाता है। तो जैसे इंसानों के अमाल होते हैं वैसे अल्लाह तबारक व तआला के फैसले आते हैं। अमाल के अंदर सबसे बड़ा और सबसे अफजल जो अमल है वो है नमाज। आज हम लोग नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने का जो तरीका है या नमाज को जिस ढंग से पढ़ना चाहिए, जैसे कि उसके मसाइल हो, उसके फजाइल मालूम हो, और नमाज को अंदर जो है तो जो सुन्नतें हैं, तो इन सारी लापरवाहियों की वजह से हमारे अमाल जो है तो दुरुस्त तो है या नहीं दुरुस्त तो है, इसके लिए तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हमारी नमाज सही हो जाए तो हम इस मस्जिद से ये मेहनत और कोशिश शुरू करने जा रहे हैं कि इस नमाज इस मस्जिद के अंदर से हम जो है तो नमाज की मेहनत शुरू करेंगे कि लोग जो है तो इस मस्जिद में आकर अपनी नमाज की इस्लाह करें, अपनी नमाज को जो है तो बनाकर पढ़ने की फिक्र करें, ताकि मस्जिद के अंदर जब हम मेहनत करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर शख्स नमाज इस तरीके से पढ़े कि नमाज के अंदर एक एक सुन्नत की अदायगी दाखिल हो जाए, ताकि हमारी नमाज जो है तो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल हो और अल्लाह के अच्छे फैसले हमारे लिए जो है तो आसमान से सादिर हो। तो इसके लिए जो है तो हम मेहनत करेंगे कि नमाज जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो नमाज के अंदर 5 बातों का ध्यान रखेंगे। कलमे वाला यकीन हो, फजाइल वाला शौक हो, मसाइल वाला इल्म हो, अल्लाह वाला ध्यान हो, और इखलास वाली नीयत हो। इन 5 खूबियों के साथ हम नमाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जो है तो अभी हम लोग मेहनत शुरू करेंगे। जब अगर कभी आवाम नमाज को बनाने की फिक्र में मस्जिद के अंदर आएंगे और जो है तो आवाम की तरफ से हमको इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, लोग जो है तो अपनी इस्लाह की फिक्र से आएंगे, तो इसके लिए हम जो है तो हमारे जो रफ़का मुफ्तियान इकराम हैं, जैसे मालेगांव शहर के मुफ्ती नईम साहब हैं, मुफ्ती असलम साहब हैं, ऐसे मुफ्तियान इकराम की हम खिदमत हासिल करेंगे ताकि आवाम के अंदर अच्छे ढंग से और मुकम्मल अच्छे मसाइल और कुरान और हदीस के रोशनी के अंदर जो मसाइल है उन मसाइल के साथ में लोग नमाज पढ़ सकें। इस मकसद के तहत ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। 10 मुहर्रम को नमाज का सीखना और सिखाना ये एक सिलसिला नया शुरू करने जा रहे हैं। अवामुन नास से गुजारिश है कि अपने अपने टाइम को, अपने अपने औकात को निकाल कर मस्जिद किस्मत-उन-निसा में तशरीफ ज़रूर लाएं। नमाज तमाम अमलों में सबसे उम्दा अमल नमाज है, और अल्लाह ताला को तमाम अमलों में सबसे उम्दा अमल सजदा है, जो अल्लाह की नज़र में मकबूल होता है। तो उसी को सीखने और सिखाने के लिए ये मजलिस बनाई जा रही है, ये मजलिस बढ़ाई जा रही है। इसलिए मैं तमामी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने टाइम को, अपने अपने औकात को निकाल कर यहाँ पर आने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इदारा मुहिब्बान शमसी के जिम्मेदारान ने ये जो प्रोग्राम तय किया है बड़ी खुशी हुई जानकर, अल्लाह के फजल से ये लोग लगे हुए हैं। जब से इन्होंने इदारा कायम किया है तब से ये अपनी मेहनत के अंदर लगे हुए हैं। मैं इनको इस काम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि हदीस में इस तरह भी आया है कि बहुत से नमाजी ऐसे होते हैं कि नमाजें उनके मुंह पर फेंक मार दी जाएंगी। तो हमारी नमाजें ऐसी ख़राब ना हो, बल्कि नमाज हम जब पढ़ें तो अल्लाह के नज़दीक मकबूल भी हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे संजे में कहीं हो रहे
गलत तरीके से, या हमारे जो रुकू गलत तरीके से हो रहा है, हमारे रुकू करने का तरीका गलत हो गया है, या हमारे कायदा करने का तरीका गलत हो गया, इन बातों से हम बच जाए, ऐसी इन्होंने कोशिश की है, ऐसा इन्होंने इरादा दायर किया है, इसलिए मैं इनको इस बारे में मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजीद ये कहता हूँ कि ये लोग कोशिश करें कुछ लोगों से मिलने के लिए कि आप जब वहाँ पर आएँ और इस्लाह नमाज की कोशिश करें, इस्लाह नमाज की कोशिश करें ताकि जो है हमारी नमाजें दुरुस्त हो जाएं। ये इकदाम जो है शहर के बड़े बड़े उलमा का भी काम था करने का, इस पर इकदाम करने का, लेकिन जो है किसी वजह से नहीं कर सके। हर एक के जहन में हर एक बात नहीं आती, जो जिस काम से करीब होता है वो उस काम से उस काम को ले आगे तक ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए इन्होंने जो तय किया है 10 मुहर्रम को इस्लाह नमाज के प्रोग्राम के बारे में, तो उसमें मैं कोशिश मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से जो कोशिश होगी इंशाल्लाह करूँगा, ये भी लोग भी कोशिश करें और लोगों से मुलाकात करें ताकि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस्लाह नमाज के लिए जो है यहाँ पर ग्रुप बनाकर जो है उसकी जो है कोशिश की जाए, उसके सीखने सिखाने का अमल किया जाए। जैसा कि इन्होंने भी जाहिर किया है कि यहाँ से मुफ्तियान कराम का भी ताउन लिया जाएगा, अल्लाह ताला इनको इस बारे में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। 10, 11, 12 तीन दिन की नियत की है, अगर कभी आवाम का ताउन रहा तो प्रोग्राम 3 दिन चलाएंगे इंशाल्लाह, और अगर कभी आवाम का ताउन नहीं रहा तो इंशाल्लाह 1 दिन 24 घंटे का प्रोग्राम करेंगे। किस्मतुन निसा हाजी सईदुद्दीन दरे गाँव एम ए वाटर पार्क के पास खड़की रोड गट नंबर 71।